मुझे जो यहां से जन समर्थन मिला उसी का मैं प्रोडक्ट हूं, और वो प्रोडक्ट जब छत्तीसगढ़ में गया और मुझे वहां आमंत्रित किया मोरे जी, तो मेरा एक पेपर प्रेजेंटेशन था, इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड हार्मनी। ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी जहां 8 देशों के लोग आए थे, और वहां भारतीय बौद्ध महासभा की शान आप देखेंगे तो व्हाट्सएप के मैसेज पे भेजा। अभी 7 तारीख को हम लोगों को गुवाहाटी जाना पड़ा, 6 तारीख को गुवाहाटी गया, 7, 8, 9 3 दिन का अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन की ओर से, जिसमें 15 राष्ट्र, दुनिया के 15 राष्ट्र के लोग वहां आए थे। यही नहीं, उनमें जो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आए थे अपने ही आदमी नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों से लोग आए हुए थे, अपने ही नहीं दूसरे समाज के लोग थे। और मुझे भी भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आमंत्रित किया गया, और वहां मैंने पेपर, जो मेरा पेपर था वो भी इंग्लिश में था, मॉरल डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, और लोगों ने इतना सराहा वहां उस पेपर को, मुझे 30 देशों से आमंत्रण मिला कि पिपल जी हम आपको वहां सुनना चाहते हैं। ये भारतीय बौद्ध महासभा की देन है। भारतीय बौद्ध महासभा भारत के 14 प्रदेशों में इस वक्त काम कर रही है, जिसकी स्थापना यहां हमने 2014 में की थी, वो आज भारतीय बौद्ध महासभा भारत के 14 राज्यों में सक्रिय रूप से काम कर रही है, और 10 जून को जम्मू एंड कश्मीर में उसका प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, हमें आमंत्रित किया है दिल्ली के लोग। महान भारतीय बौद्ध महासभा की उपलब्धियां हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जब इस कार्यक्रम को किया गया, तो जैसे हमारे साथी ने कहा कि मुझे जाना चाहिए और सुनना चाहिए, मैंने कि जो हमारे इस लेवल का कवि है मुझे यहाँ रहना चाहिए, हमारे दूसरे साथी जाएंगे, क्योंकि मैं कवि तो नहीं हूं, मैं खुद कवि नहीं हूं, मेरा बेटा कवि जरूर है, अच्छे लेवल का कवि है, टीवी पर भी आता है, लेकिन मुझे अपने कवियों से थोड़ी सी ये उम्मीद है, कभी एक ही तरीके के नहीं होते, एक तो लिखते हैं, लेखनी करते, कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गाता कोई और है, कंठ किसी और का होता है, लेकिन कवि की जो विचारधारा, जो उत्कंठ भाव पैदा होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति उसमें होती है। किसी फिल्म में गीतकार को गीत लिखने के लिए कहा जाता है, उसको एक दृश्य दिया जाता है कि ये दृश्य है, इसके ऊपर आपको एक गीत लिखना है, एक कविता लिखनी है, कविता के माध्यम से वो कंठ की कला है कि किस कला से उसको जो है प्रस्तुति देती है। अभी हमारे सामने वो कवित्री नहीं है, वो चली गई, जिनका मधुर कंठ था और जिनके माध्यम से हमने उनकी वाणी को सुना था, वाणी को भी सुना और कविता को भी सुना, जिसके लिए आप लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया, उनका नाम था प्रेमिका गौतम, और वो थी धम्मचारी प्रज्ञा। धम्मचारी प्रज्ञा क्यों है उनका नाम हुआ, वो विपश्चि की हुई है, वो बहुत विपश्चि है, और अपने पति के साथ भारतीय ये बौद्ध महासभा और अन्य ग्रंथ को अपने साथ लोगों को प्रचार और प्रसार करती है। क्योंकि जो व्यक्ति विपश्चना करता है, ये अपनी मेरी मान्यता है, जो स्वयं एक्सपीरियंस पर गुजरता है, अनुभव पर गुजरता है, हम उनके बेटे जसवंत सिंह जी का जन्मदिन तो नहीं मनाते, इनका जन्मदिन हमने मनाया, एक खासियत है। वो शीर संपन्न थे, सत्तो शीर संपन्नो यशो भोग सब पिपितो यन यन परेशन भजति तत्थम तत्थम एव पूजति, जहां जहां डॉक्टर हो जाएगा वहां वहां पूजा उसको
नतावता धम्म धरो यावता बहुभासति योच अपम्पि सुत्वानि धम्मं कायेन पश्येन सवे धम्म धरो। केवल धर्म को थोड़ा ही सुनना, थोड़ा सा सुने और उसको काया से सप्रज्ञा से देखे तभी आनंद आएगा। और हमारे मैंने सुखबीर बौद्ध जी को क्यों रोका यहाँ, सुखबीर बौद्ध जी की मैंने काफी टेस्टों के माध्यम से और ऑफ माध्यम से मैंने उनके प्रयास को देखा है और उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया कि उनके परिवार ने इतना नहीं पाया, उनसे वो नहीं मिला, उनको क्या मिला ये सुखबीर बहुत बताएंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, एक बार भगवान बुद्ध जो थे उपदेश कर रहे थे, उपदेश एक उपदेश पता हुआ कि एक गांव में जब समय हो गया तो समय नहीं लेता हूं मैं। एक भगवान बुद्ध वहां उपदेश कर रहे थे तो एक गांव में एक तालाब था, किसान के तालाब में एक कमल का फूल, बेमौसम कमल का फूल मिला। उसने कहा ये बेमौसम का फूल कमल का खिला है, क्या चंबा है? वो मालिक उसका गांव का उस फूल को तोड़ करके चलो मैं इसको बेच आता हूं। बेचने के लिए जब रास्ते में जा रहा था तो इस एक रथ पे सवार एक आदमी मिला के भाई तू ये फूल मुझे दे दे, कि तुम क्या करोगे, मुझे खरीदना है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा इसका, तुम मेरे से इसको खरीद लो। उसने कहा 1,005 रुपये का फूल बिकने वाला और 1,000 मांग रहा है, इस फूल की क्या कीमत है, उस फूल की क्या कीमत है? उसने कहा कि मैं नहीं देखूंगा, समझ में आया उसको, फिर आगे चल दिया। इतने में देखता है कि वहां के राजा की सवारी आ रही है और उसने बेमौसम का फूल उसके हाथ में देखा कि कमल का फूल। वो राजा जो थे भगवान बुद्ध के प्रवचन करने के लिए जा रहे थे, उसने रोका रथ वाले को, कहा कि गाड़ीवान रथ को रोक और मुझे ये फूल देखना है। उसने कहा कि ये फूल मुझे दे दे कि महाराज क्या करेंगे कि मुझे चाहिए, मैं तेरे को 10,000 दूंगा, उसका 10 गुना 10,000 दूंगा, इसका मतलब है कोई ना कोई इस फूल की करामात है। इतने में एक और मिला कि जितना तेरे से राजा ने मांगा उसका 10 गुना दूंगा आपको। अब तो वो फूल वाला जो है गांव कहने लगा मालिक कि कोई ना कोई इस फूल की करामात है, तो वो पूछ ही बैठा कि भई आखिर आप इस फूल की, मैंने एक से पूछा 1,000, राजा ने लगाया 10,000 और तुम इसको जो मांगता उसका 10 गुना दूंगा, इसका क्या कारण है? ये फूल मुझे दे दे, मैं इस फूल को तथागत बुद्ध को दूंगा जो आज बुद्ध जो है आ रहे हैं। तब उसने कहा मैं इसको 10 लाख में दे दूं। अब चक्कर में पड़ गया, इधर 10 लाख और उधर तो फूल, क्या करूं? उन्होंने जब ये चढ़ाएंगे, मैं तो पहले भी गरीब था और अभी भी गरीब रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो पुण्य कमा लूंगा मैं कि उस भगवत तथागत बुद्ध के चरणों में रख दूंगा। तो यही जब तथागत बुद्ध के पास वो फूल चढ़ा और फूल लेकर के मुस्काए, फूल लेकर के मुस्काए और फूल मुस्का करके देख करके कश्यप जो भिक्षु थे महाकश्यप, उनको फूल जो उन्होंने दे दिए और वो फूल उनको भी दे दिया और खुद बैठ गए, मुंह से कुछ बोला नहीं, बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं किया। उसने कहा क्या जो देना था वो उनको दे दिया, अब तक तो तमाम प्रवचन करते थे लेकिन प्रवचन नहीं किया। तो बुद्ध उनको, बुद्ध को जो कमल दिया, वो दत्त का कमल जो दिया, वो ने ऐसा खिला, जब भी कमल का फूल खिलता है जो कि निर्लिप्त रहता है, कीचड़ में पैदा रहता है, उसके साथ कोई भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं छिपी होती, अपने आप को आसक्ति से परे करता है। तो ऐसी भावना जब लेकर के चलता है तब ऐसा है
तो बुद्ध सिंह जी प्रेमी के जब यहां पर कहने लगे कि उनका नाम बुद्ध सिंह प्रेमी है, उनका नाम था बलवीर, क्या बताया था, बलवंत सिंह, तो मोरा जी की मीटिंग में आए तो मोरा जी का नाम की भगवती प्रसाद था, भगवती प्रसाद मौर्य था पहले। जब वो वहां आए थे, जब बुद्ध सिंह, जब भगवती प्रसाद मौर्य ने बी से बुद्ध प्रे लगा के बी से प्रे और मौर्य बन गए, ऐसे ही उन्होंने जो है बलवंत सिंह को बुद्ध सिंह प्रेमी बना दिया, संकेत प्रति समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार की ये हर एक को पदवी नहीं मिलती है। उस समय बुद्ध प्रेम मौर्य जो हमारे उस समय के जाने माने हमारा नेतृत्व करते थे, जिनकी आवाज संसद में गूंजती थी। तो साथियों, हमारे जो कवि हुए हैं, मेरे एक निवेदन है उन कवियों से कि अधिकांश यहाँ दिल्ली में और आसपास के अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं वो हम उत्तर प्रदेश से आए हुए, और उत्तर प्रदेश में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। तो मेरा कवियों से चाहूंगा, जिसके लिए हमने प्रेमी जी को रोका हुआ है, इसलिए रोका है पौल जी को कि वो ऐसी कल्पना करें, ऐसी रचना करें वहां के इलाके में। अभी जो हमारे चिरंजीवी लाल जी ने जो गा रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि हमारे तरफ गाया जाता है इस तरह के गाना, चाहे वो लहुरिया हो या भक्ति के गीत हो, कैसे भी गीत हो जो मन को आकर्षित करते हैं, लुभाने वाले होते हैं। ऐसे ही रचना होगी, और मैं नाम लेकर के तो नहीं कहूंगा, कवियों से मेरा ये अनुरोध भी होगा कि जो शब्दों का चयन करें वो जरा अच्छा से। अभी हमारे कवि जी ने कहा था कि नीला झंडा लाल किले पर फहराएंगे, जब इस प्रकार की अतिशयोक्ति होती है तो कहते हैं हमारा कवि जो है, यहाँ तो तिरंगा जो बाबा साहब ने बनाया था संविधान में वर्णित किया है, तिरंगा झंडा जिसमें अशोक का चक्र वो ही फैला है। तो एक कवि और थे यहाँ पर बहुत अच्छे थे, वह उन्होंने 72 साल का लौड़ा कह दिया, अगर वो 72 साल का युवक कह देते तो जरा अच्छा था। इसलिए शब्दों का चयन हमारे कवि जो है ऐसा करें कि सुनने में उसका, अभी देखो हमारे वैशाखी इन्होंने, विशाखा जी ने बड़ा अच्छा तरीके से गाया, जिसका शब्द में भी मीनिंग होता है। अभी हम गाना भी सुनते हैं, तेरा मन दर्पण कहना, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, है ना, मन उजारा जब जब हो जब उजारा कोई, जग से तू भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहना। तो ऐसे संगीत का, ऐसे उसका हमें समावेश करना चाहिए जो कानों को भी प्यारा लगे और जो पढ़ने वाला सुने। इसने अजब उनसे पूछा कि भई प्रेमी जी, आप इतने इतने क्लिष्ट शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने डिक्शनरी ला करके दिखा दी। तो ऐसे ही हमें शब्द खोजने चाहिए, तब यानी पच रंग 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 दीवी चंदरिया, ठीक है ना, इस तरीके से होने की। तो ऐसे ही कबीर साहब ने कहा, क्यों हम करते हैं कबीरा जब हम पैदा भए, कबीरा जब हम पैदा भए, लोग हंसे हम रोए, लोग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो हम आज बुद्ध सिंह प्रेमी जी को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, ऐसे करनी की थी, इसीलिए हम आज उनका जन्मदिन मनाते हैं। जसवंत सिंह जी का नहीं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनके कर्म ऐसे थे, उनकी करनी ऐसी थी। जब जसवंत सिंह जी जब हमसे पहले अम्बेडकर भवन में हमसे मिले और मुलाकात की, तो वो मुस्कुराहट, ये जोश और उत्साह ऐसा उनके चेहरे पर नहीं झलकती थी जो मैं आज देख रहा हूँ। देख रहे हैं कि मेरे पिताजी की शौहरत, मेरे पिताजी के सम्मान में इतना गुणगान हो रहा है, ये कम बात नहीं है। बाबा साहब के बेटे पुत्र को हम इतना ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं जितना कि हम बाबा साहब को देते हैं, क्योंकि उनका त्याग था। किसी महापुरुष का जन्म, माननीय काशीराम जी का जन्म हम क्यों मनाते हैं, उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं, वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आदि है। जो उन्होंने कर्म किए थे, जो कर्म करेगा वैसा ही फल होगा, जो बोएगा वो काटेगा। जो उन्होंने बोया था माननीय काशीराम जी ने, आज जो काट रहे हैं उनका नाम लिया जा रहा है, प्रेरणा स्थल बना है, ऐसा
समाधि लोगों ने वहां बनाई है, इसलिए याद कर रहे। हम लोगों को ये भी सोचना होगा, हम चाहते तो हैं कि ऐसा होना चाहिए, पवित्र मन से जब तक हम काम नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। ऐसा नहीं है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी, कभी भी हार नहीं होगी, लेकिन सच्चे मन से सच्चे लगन से जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं मिलेगा। एक पेड़ पर एक कवि कहता है, रे पक्षी आग लगी इस वृक्ष पर, आग लगी इस वृक्ष पर जलते इसके पार, आग लगी इस वृक्ष पर जलते इसके पार, रे पक्षी तुम क्यों जल रहे जब पंख तुम्हारे साथ, तुम क्यों नहीं उड़ जाते, तुम क्यों पागल है, हम आरक्षण के आधार पर अपने मकान बनवा लिए, अच्छी नौकरी लग गई, साइंटिस्ट बन गए, सब हो गए, हम क्यों नहीं भाग जाते, हमें क्या लेना देना है। बाबा साहब होंगे अपने तो पक्षियों ने क्या जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पा, बीट लथेड़े पा, और कहते हैं जल हैं मरे इसी के साथ, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। तो हमारा धर्म यह है कि हम इसको छोड़ करके नहीं जाएं, यही हमारा धर्म है कि हम अब तो उनके साथ रहें और उनकी जन्म शताब्दी मनाते रहें। और ये भी नहीं है, साथ साथ मेरा ये कहना पड़ेगा कि जो बहन विशाखा ने पंचशील की बात कही थी, कुछ लोगों ने यह बात छेड़ी थी, यहाँ लिखा है शील समाधि और प्रज्ञा, कुछ लिखते हैं प्रज्ञा शील और समाधि, कुछ अलग अलग तरीके से लिखते हैं, भंते जी ने भी मैत्री भावना की थी। तो हमें धर्म को, धर्म क्यों नहीं, अभी मेरे इंटरव्यू ले रहे थे तो कह रहे थे धर्म क्यों नहीं फैल पा रहा, धर्म का कारण है धर्म क्यों नहीं फैल पा रहा, धर्म का कारण यह है। मैंने वहां भी कहा कि हमने धर्म को समझा ही नहीं, अगर हम धर्म को समझ लें टू अंडरस्टैंड व्हाट इज धम्मा, धर्म क्या चीज है, धर्म हमारे लिए क्यों आवश्यक है, Why it is necessary for us? Why dhamma is necessary? बाबा साहब ने क्यों हम तैयार किया? बाबा साहब तो सन 1953 में बोधिसत्व की उपाधि दे दी थी, जबकि बाबा साहब ने धर्म दीक्षा भी ले ली थी, लेकिन बाबा साहब ने इतना धम्म को जाना, इतना धम्म को समझा, कौन क्यों दे सकता है, मेरे को कविता की एक लाइन भी लिखनी नहीं आती, मैं तभी लिखूंगा जब मेरे को आता होगा, मैं आपको कब दूंगा जब मैं धर्म के बारे में जानता हूँ, गाथा पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, मैं जब तक आचरण नहीं करूंगा सीनों पर, कथनी करनी एक से जब तक मेरी एक नहीं होगी। उस बेचारे कवित्री ने बहुत बढ़िया कविता कही थी, जब जब अंतर जगत में समता बढ़ती जाए, जब जब अंतर जगत में समता बढ़ती जाए, काया वाणी चित्त के कर्म सुधरते जाए। आप देख लीजिए जो विपश्यना करेगा, जो साधना करेगा, जो सीनों पर चलेगा, उसकी वाणी में अंतर आएगा, उसके सोचने में अंतर आएगा, विचारों में अंतर आएगा, तो किस प्रकार की विचारधारा रखती है, अच्छी विचारधारा, सम्यक विचारधारा, परसेप्शन इज द नॉलेज, ज्ञान तो सभी को है लेकिन सम्यक ज्ञान बहुत जरूरी है। विद्युता बहुत कर रहे हैं, पीएचडी कर ली, डीलिट कर ली चार सब्जेक्टों में, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बीमार है, बिना प्रज्ञा के वो लाभदायक सज्जन नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, क्योंकि समय मिल गया, ज्यादा जब चले गए थे मुझे पता लगा है, जब मैंने महसूस किया कि आप लोग सुनने की क्षमता रखते हैं और सुनेंगे, इसीलिए मैंने अपने आप को यहाँ कहा। ये भगवान लोग जब भी प्रवचन करते थे लोगों की मन स्थिति देख लेते थे कि वास्तव में सुनना चाहते हैं या नहीं, जनता सुनना चाहते हैं।